ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 टू 350, 1 एंड 350, ऑल नंबर्स इन बिटवीन। अब ऑल इवन नंबर्स बिटवीन क्या होगा, 1 से लेकर 350 के बीच में क्या क्या इवन नंबर्स होंगे? हाँ बोलो। हाँ, और लास्ट वाला क्या होगा? 350 होगा लास्ट वाला, पक्का? पक्का नहीं होगा? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। क्यों? बिटवीन बोला है ना, बराबर। अगर आप चारों जन को अगर लाइन से बिठा दिया जाए और युवराज और धानी लास्ट लास्ट में बैठे हैं, तो हाउ मेनी पीपल्स आर बिटवीन धानी एंड युवराज, तो क्या बोलोगे आप, दो या चार? दो ना। देन तो नंबर्स इन बिटवीन बोला है, सो 1 से 350, तो 350 काउंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, सबका आधा आधा मार्क उसकी वजह से ही कट जाए। समझ में आ रहा है? आपको आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन 350 आप काउंट कर लोगे, ठीक है? सो द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, तो आपका नंबर्स, सो इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन बिटवीन 1 एंड 350 आर व्हाट, 2, 4, 6, so on till 348, राइट? अब क्या है, द टर्म्स आर इन एपी ऑलरेडी, राइट? अब द टर्म्स आर इन एपी, इसमें फर्स्ट टर्म है 2, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं? आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो कितने टर्म है कैसे पता चलेगा? सम ऑफ एन टर्म्स का कितने टर्म्स है फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बराबर? यस, एन फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? कौन सा? हाँ, टी एन, करेक्ट, ए एन या टी एन, एंथ टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है? एन फाइंड करने के लिए यू नीड टू यूज एंथ टर्म का फॉर्मूला, ठीक है? हियर व्हाट वी कैन से, हियर टी वन इक्वल्स टू टी टू इक्वल्स फोर टी थ्री इक्वल्स सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है? द एबो टर्म्स आर इन एपी, द एबो टर्म्स आर इन एपी, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टी टू माइनस टी वन विच इज 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? नाउ डिफरेंस आ गया आपको 2, अब आपको कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है, तो हाउ यू विल फाइंड, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ यू विल फाइंड, हाउ, कौन सा फॉर्मूला? टी एन वन, राइट? सिंस टी एन इक्वल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाँ बोलो, करेक्ट। अब आपका nth टर्म इसमें है क्या? रेज योर हैंड्स, आपका इसमें nth टर्म क्या है? हाँ, 348 है, राइट? इक्वल्स a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म दैट इज 2, प्लस n का वैल्यू कितना है? हाँ, 348, बराबर है? एन क्या है? एन पता नहीं है, ओके? एन पता नहीं है, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है? 2, राइट? अब इसे सॉल्व करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, ये 2 इस तरफ लेकर जाऊं तो कितना होगा? 346, सिक्स ना माइनस हो जाएगा, 2 इस तरफ गया तो इक्वल्स एन माइनस वन इंटू 2। अब ये 2 इस तरफ लेके आके डिवाइड करो, 346 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स n माइनस 1, 2 1s आर, 7s आर, 3s आर, इक्वल्स n माइनस 1, सो देयरफॉर n इक्वल्स, ये माइनस 1 इस तरफ, तो 174, तो वी गॉट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 2 टू 348 तक? 174 टर्म्स आर देयर। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स,
राइट। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है जिदान? एन, हाँ बोलो। हाँ यस बोलो। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें एन का वैल्यू कितना है? 174 हमको पता चला ना, देर आर 174 टर्म्स, सो 174 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 ए, ए का वैल्यू है आपका 2 प्लस 174 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आपका वो सम ऑफ एन टर्म्स, कर लोगे ना उतना तो सॉल्व करो, चलो डू इट फास्ट। 174 है, 174 डिवाइडेड बाय 2, 2 8s आर 16, 2 7s आर 2, 2s आर 4 प्लस 173 इनटू 2, 2 3s आर 6, 2 7s आर 14, 1 कैरी, 2 1s आर 2, 3 व्हिच इज 87 इनटू 350, यही आया जिदान? 3045। जीरो और एक है ना? हाँ, कैलकुलेशन गलत है बेटा, 30450। हाँ ऐड किया ना बेटा, 87 इंटू 350, हाँ 30450 करेक्ट है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट आएगा आपको, पहले थोड़ा बहुत डेटा आप जितना बना सकते हो उतना बनाओ, कैसे करेंगे बताओ? हाँ बताओ। ओके कैसे मिलेगा कॉमन डिफरेंस? टी टू कहाँ है और टी वन किधर है? देखो द 19th टर्म इज 52, गिवन क्या है? 19th टर्म इज 52, तो मतलब टी 19 आपका कितना है? 52। इसके बाद द 38th टर्म इज 128, इतना गिवन है। देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स आपका क्वेश्चन, राइट। अगर इतना दिया है तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विच फॉर्मूला वी विल फर्स्ट यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ। देखो अगर आपको एस 56 निकालना है तो क्या चाहिए आपको, एस 56 निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? और आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी चीज निकालने के लिए आपको लगेगा क्या, दो चीज क्या, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, राइट। अब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन दोनों वैल्यू से कैसे निकलेगा? हाँ टीएन का फॉर्मूला लगाना है, टीएन का फॉर्मूला अगर इसमें लगाओगे तो एक इक्वेशन बनेगा, इसमें लगाओगे तो और एक नया इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट चैप्टर आपने किया है। अब बस आएगा, ट्राई करो। आपको यहाँ पर टी 19 एंड टी 38 का वैल्यू गिवन है, राइट। हमें टीएन का फॉर्मूला पता है, टीएन का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर। तो आप टी 19 अगर आप करोगे, टी 19 विल बी व्हाट, ए प्लस 19 माइनस वन इंटू डी, ये सर नो, बट टी 19 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 19, 52। So 52 equals a plus 19 minus 1 which is 18 d, ये हो गया आपका equation number 1, ठीक है। इसके बाद अगेन आपके पास t 38 भी given है, तो इसी equation के अंदर t 38 अगर हम put up करेंगे तो t 38 will be equal to a plus 38 minus 1 into d, yes or no? हाँ
Now T38 is how much? 128 equals A plus 38 minus 1, 37 B. ये हो गया आपका equation number 2. ठीक है? Equation 1 and 2 हो गया ready आपका? Okay. Now A plus 37 D आपका ये second equation हो गया. अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जिदान? सर अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन या फिर वन फ्रॉम टू टू फ्रॉम वन किया तो नहीं चलेगा कुछ नहीं कोई भी चलेगा इक्वेशन टू फ्रॉम वन या फिर वन फ्रॉम टू अब इसमें बड़ा कौन सा है ये है ना 128 तो फ्रॉम टू कर दो सो इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू अगर आपने वन टू फ्रॉम वन भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर आपको सेम ही आएगा ठीक है जो फ्रॉम लिखा है वो आपका ऊपर आएगा तो ए प्लस थ्री डी इक्वल्स 128 सो मैंने इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिखा है ठीक है पूरा वैल्यू उस तरफ और पूरा वैल्यू इस तरफ लिखा तो साइन चेंज नहीं होता ठीक है ए प्लस थ्री डी इक्वल्स 128 और दूसरा है आपका ए प्लस 18d equals 52. 37 37. Now when I subtract, क्या करना है दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट जब भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तब नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका क्या होगा साइन चेंज होगा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया ये प्लस है ये माइनस ये भी प्लस है तो ये माइनस गॉट इट अब a माइनस a कितना जीरो इसलिए क्या होगा कैंसल 37d माइनस 18d इज हाउ मच 17 माइनस 8 9 2 माइनस 1 19d ठीक है एंड 128 माइनस 52 8 माइनस 2 इज 6 12 माइनस 5 इज 7 ठीक है कितना माइनस 76 बेटा दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन क्या है तो आंसर का साइन क्या होगा प्लस होगा ठीक है देयरफॉर डी इक्वल्स 76 डिवाइडेड बाय 19 19 के टेबल में 76 आता है कितना 9 के टेबल में एंड में 6 कब आता है 4 तो 19 4 करके देखो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ ही जाएगा 4 9 36 4 4 6 7 हाँ बराबर है 4 तो आपको डिफरेंस कितना आ गया समझा यहां तक हाँ अब क्या करेंगे अब सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन वन या फिर टू दोनों में से किस में भी चलेगा इन इक्वेशन वन सो 52 इक्वल्स ए प्लस 18 इंटू फोर So 52 equals A plus 4 8s are 32, 4 1s are 4, 5 6 7. So A equals 52 minus 72. So A equals kitna? Minus 20. ठीक है? आपका first term हो गया minus 20 और common difference हो गया 4. Now what you need to find? क्या find करना है? Sum of 56 terms. Now since Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ये आपका फॉर्मूला है तो n अब आपको चाहिए क्या s 56 यू नीड सो इट इज 56 डिवाइडेड बाय 2 into 2a a कितना है minus 20 ब्रैकेट में लिखना है प्लस n minus 1 व्हिच इज 56 minus 1 एंड d कितना है 4 समझा हाँ So which will be equal to 56 by 2, 2 into minus 20 minus 40 plus 55 into 4. ये दोनों डिवाइड हो सकता है 2 2s are 4, 2 8s are 16. Minus 40 plus 5 4s are 20. 5 4s are 20, 220. 28, 220 minus 40 is what? 180. And now 28 into 180 is how much? Multiply करो, जो आंसर आ गया वही आपका आंसर Got it? कर लेते हैं 180 into 28.
एट जीरो, ये तो जीरो निकाल, एट एट जार 64, 8 ones are 8, 8 plus 6, 14, 2 8s are 16, 2 ones are 2, 3, 4, 0, 5, 5, 0, 4, 5, 0, 4 answer आया आपको, हाँ, हाँ, और एक 0 आएगा, correct, 5, 0, 4, 0, 180 है ना, समझा, Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 से लेकर numbers between 1 and 140 which are divisible by 4. हाँ, तो 4 से 136 ये तो बराबर लिखा है. How many numbers are there? N कैसे find मिले? N कितना मिला? N 136. N कितना होगा? Find करना है ना? कितना मिला? तो नहीं, वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 4, 8, सो ऑन 136, जितने भी टर्म होंगे 2.5 टर्म्स हो सकते हैं क्या? नहीं ना, 2.5 टर्म्स तो नहीं हो सकते. तो आपका n तो डेसिमल में नहीं आएगा. क्यों नहीं आया यार? आना चाहिए आपको. जो नंबर है 4, 8, सो ऑन टिल 136, इसमें अगर आप pn का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चेक करते जाओ आपने क्या लिखा है. ठीक है, टी एन इसमें क्या आएगा? 136. ए कितना आएगा? 4. एन माइनस वन. डी कितना आएगा? 4. क्या किया आपने? 4 नीचे ले लिया. बेटा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ 4? कैसे? वही फिर आप बेसिक्स बराबर से कर लो, नहीं तो इतना एपी ज्योमेट्री वगैरह सब सीख के क्या ही मतलब. देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी आपको दिया हुआ है. सम ऑफ 55 टर्म्स मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन में? व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? एन लिख, एन गिवन है. क्या गिवन है? हाँ, एस 55 इक्वल्स 3300. ये आपको गिवन है. फाइंड इट्स 20th 28th टर्म. मतलब क्या फाइंड करना है? 328 इज द क्वेश्चन मार्क. बराबर कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टीएन वाला. टीएन फाइंड करना है? नहीं. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले आपको एस एन गिवन है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लिख लो, उसके अंदर डेटा लिख लो, और ये 55 है तो कुछ इक्वेशन बनेगा. नाउ सिंस एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको इक्वेशन पता है राइट. तो सम ऑफ 55 टर्म्स विल बी इक्वल टू 55 बाई टू इंटू टू ए प्लस 55 माइनस वन इंटू डी राइट. हाँ, अब इसके बाद क्या? सम ऑफ 55 टर्म्स कितना है? सम ऑफ 55 टर्म्स कितना गिवन है? हाँ 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 3300 इक्वल्स 55 बाई टू टू ए प्लस 54 डी. कैन आई राइट? हाँ, अब क्या करेंगे? ये टू इस तरफ लेकर जाएंगे. इसके अलावा और क्या किया जा सकता है थोड़ा और इजी करने के लिए? इन दोनों में टू कॉमन है, तो इन दोनों में टू कॉमन निकालो और टू कैंसिल कर लो, थोड़ा और इजी हो जाएंगे. तो 3300 इक्वल्स 55 बाई टू, और इसमें अगर मैंने टू कॉमन निकाला तो बचेगा क्या? ए प्लस 27 डी. टू और टू कैंसिल हो गया. 3300 ये 55 इधर आके माइनस होगा, क्या होगा फिर? हाँ, क्यों डिवाइड होगा? इधर 55 का रिलेशन क्या है? पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आने के बाद डिवाइड होगा. इक्वल्स ए प्लस 27 डी बराबर 55 एंड 3300 कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा. कौन से टेबल में?
और थोड़ा इजी करना होगा तो 11 के टेबल में, राइट, 11 फाइव जार, 11 थ्री जार 100 जार, 5 वन जार, 5 सिक्सटी जार, सो देयरफॉर 60 इक्वल्स ए प्लस 27 डी। अभी आपको तो सिर्फ यही मिला, राइट, अब मुझे फाइंड, मुझे ए ना ही ए मिला है ना ही डी मिला है, लेकिन फाइंड करना है 28th तक। हमें पता है ना एपी में ए और डी मिल गया तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ए और डी मिला नहीं है और कुछ गिवन है भी नहीं। हाँ 27 के साथ में है ना डी, नहीं 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 कुछ नहीं ऐसे, नहीं नहीं नहीं, कैसे फाइंड करेंगे आपका? देखो ऐसे टाइम पर आप अटक सकते हो, अरे ए और डी का वैल्यू मिला ही नहीं, अब मैं T28 कैसे फाइंड करूँ, ऐसे आप अटक सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये मिल जाएगा। कैसे? TN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे फाइंड करना है T28 इक्वल्स A प्लस 28 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स A प्लस 27 डी। अब मिल तो गया, ए प्लस 27 डी ऑलरेडी है मेरे पास, पूरे इसका ही वैल्यू है, सो वही है आपका T28 आंसर। समझा? ए और डी मिला नहीं, आपके पास यही मिला और यही आपको इक्वेशन में रिक्वायर्ड। समझा? चलो स्टार मार्क है, आई नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, देखो यहां पर, इन एन एपी द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब किया है हमने नाइन्थ में, किया है, हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब व्हाट इज कंसेक्यूटिव टर्म्स? कंसेक्यूटिव क्या? कंटिन्यू, कंटिन्यू, जैसे कि 3, 4, 5 ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो एक के बाद एक आता है, राइट, 10, 11, 12 ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो जैसे अगर एपी में भी है, अगर समझ लो 3, 5, 7 ये भी क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। समझ में आ रहा है? 11, 14 उसके बाद 17, दिस इज ऑल्सो वॉट कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। अब इन्होंने बोला है कि इन एन एपी, कोई एक एपी है, कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना है? 27। मतलब थ्री टर्म्स को अगर हम एड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 27। नाउ एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हाँ प्रोडक्ट नहीं मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स में प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब ये डस्टर, ये एक प्रोडक्ट है, हाँ ये प्रोडक्ट है, बट ये प्रोडक्ट अलग हो गया और ये प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। मतलब किसका प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये लोग? मत सरकाओ, मत अंदर अंदर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ किस चीज का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर? इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? बोला क्या है? इन एन एपी सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है? 27, और उनका प्रोडक्ट 504 है। मतलब जो थ्री टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन तीनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा और सम करेंगे तो 27 आएगा। समझा? हाँ ओके। अब यहां पर दिया है, एज्यूम दैट द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर दिस। अब जब भी आपको अज्यूम करना होगा ना, थ्री टर्म्स दिया है या फोर टर्म्स दिया है या फाइव टर्म्स दिया है, तो जब भी अजम्पशन करना होगा तो कुछ पैटर्न है, कैसे अजम्पशन करना है ये लिख लो। अज्यूम फॉर एन टर्म्स इन एपी, ठीक है, एन टर्म्स इन एपी। अगर आपको थ्री टर्म्स बोला है, ठीक है, टर्म्स अगर थ्री बोला है तो आपका जो थ्री टर्म होगा वो क्या क्या होगा?
पहला होगा a माइनस डी, दूसरा होगा a एंड तीसरा होगा a प्लस डी। ठीक है, तीन टर्म्स का अगर एजम्पशन करना है, देखो ये टर्म्स ap में है या नहीं, दिस माइनस दिस विल बी d एंड दिस माइनस दिस विल ऑल्सो बी d। ठीक है, अगर आपको फोर टर्म्स बोला है तो आप क्या कैसे कंसिडर करोगे? हाँ बताओ, नहीं आप करोगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ठीक है, यहां पर भी ये चारों टर्म्स क्या है, एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इनका रखा है हमने 2d। जब चार टर्म होगा तब ऐसे लेना है, ठीक है, और जब फाइव टर्म्स होगा तब तब होगा a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। गॉट इट? ये जब फाइव टर्म्स होगा तब, फाइव टर्म के ऊपर आपको नहीं आएगा इतना लिख लो, यहां पे लिखो एजम्पशन फॉर एन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईपी, एजम्पशन फॉर एन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईपी। नाउ देखो यहां पे, इन एन एपी सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। तो आप क्या करोगे, ये नीचे जो एजम्पशन दिया है वो आपको दिया नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको खुद करना है। जब थ्री टर्म्स होगा तो मैंने आपको दिया है, जब फोर टर्म्स दिया है तब भी दिया है, एंड फाइव टर्म्स होगा तब भी दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लेट लेट द थ्री टर्म्स इन एपी बी व्हाट, बी व्हाट, लेट द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी, जस्ट वन मिनट, ओके, नाउ लेट द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी बी व्हाट, क्या आएगा बी, बी व्हाट, करेक्ट, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, अब दिया है सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज हाउ मच, 27। नाउ देयरफॉर आपको जो एज पर द अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, व्हाट वी कैन से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हाट आई कैन से, ए माइनस डी प्लस ए प्लस a plus d equals how much? How much? अरे दिया है ना, sum of the three consecutive terms is, तो ये three consecutive terms को मैंने sum ही किया ना, कितना आएगा, 27। Now a plus a plus a is how much? 3a minus d plus d will get cancelled. Equals 27. So A equals how much? 27 by 3. So therefore A equals 9. Chalo first term. Okay. Ab kya karna hai? Second term. Abhi second term. Ek ek term find karenge. Aapko diya hai product of their second condition. Now according to the given condition likha ya to fir first condition likho. According to the फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन व्हाट आई कैन से, क्या होगा, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, हाँ बोलो क्या लिखे, क्या लिखेंगे यहां पर, हाँ बताओ, a माइनस बी इक्वल्स ए,
504. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये a को इस तरफ लिख दो, ये हो गया a माइनस डी एंड a प्लस डी इक्वल्स 504, करेक्ट? अब a माइनस डी इंटू a प्लस डी विल बी हाउ मच? करेक्ट, a का वैल्यू है ना हमारे पास 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 504, करेक्ट? ये 9 इस तरफ लेकर जाओ, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 9 से डिवाइड किया तो 9 फाइव आर 45, 5 9 सिक्स आर 54, बराबर? 9 स्क्वायर कितना होगा? 81, तो 81 ये 56 इस तरफ इक्वल्स डी स्क्वायर, करेक्ट? 11 माइनस 6 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2 इक्वल्स डी स्क्वायर, देयरफॉर डी इक्वल्स हाउ मच? पक्का कुछ और प्लस और माइनस 5, ठीक है? डी का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस 5. अब पूछा क्या है? फाइंड द टर्म्स, ठीक है? फाइंड द टर्म्स बोला है ना, तो आपका जो टर्म्स थे वो क्या था? अब लिखेंगे व्हेन डी इक्वल्स प्लस 5, क्या? व्हेन डी इक्वल्स प्लस 5, तब आपका ए प्लस डी कितना होगा? ए कितना था? 9. 9 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 14, ए कितना है? 9, और ए माइनस डी इक्वल्स 9 माइनस 5, आंसर इज 4. देयरफॉर द टर्म्स इन ए पी आर, इन ए पी आर 14 कॉमा 9 कॉमा 4, बराबर? समझा? हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ. When d equals minus 5, ठीक है, तब आपका a plus d equals what? हाँ हाँ, नहीं ये फॉर्मूला तो a plus d है, a का वैल्यू 9 प्लस माइनस 5, आंसर आ जाएगा 4. a आपका वैल्यू 9 और a माइनस डी क्या होगा? 9 माइनस माइनस 5 विच इज 9 प्लस 5, आंसर इज 14. दोनों करके दिखाना है. देयरफॉर एक्चुअली ये यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये हमने लिख दिया, और व्हेन d इक्वल्स माइनस 5 ये भी लिख दिया. देयरफॉर द टर्म्स द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी, द थ्री consecutive terms in AP are 14,9,4 or 4,9,14. Samjha?